नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा खंडूरी। राम की नगरी अयोध्या धर्म, संस्कृति और सियासत का केंद्र, अवध की राजधानी, सज रही है, सवर रही है। हर दिन राम का धाम अपने भव्य आकार की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आज एक तस्वीर सामने आई है। यूं समझिए कि राम मंदिर अपने निर्माण के तीसरे पड़ाव पर खड़ा हुआ है। कैसी है वो भव्य तस्वीर और कैसा दिखता है विश्वास का ये विश्वधाम। राम सगुण है, साकार है, निराकार है। राम की नगरी और राम का धाम उनके गुण और उनके आकार से भी भव्य है। ऐसी ही भव्यता को दर्शाता प्रभु का परम धाम अवध में अब बन रहा है। दो चरणों में नींव का काम पूरा हो चुका है, अब तीसरे चरण में मंदिर का आधार बन रहा है। कैसी है आधार की ये तस्वीर, आप भी देखिए। आज अयोध्या संवर रही है, सज रही है। दीपोत्सव के माध्यम से दुनिया एक तक होकर के अयोध्या के दीपावली के कार्यक्रम को देखती है। और मंदिर ऐसा होगा, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। ऐसे ही राम मंदिर के आधार का काम अब आकार ले रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का काम तीसरे चरण में चल रहा है। तकरीबन 5 एकड़ में जो मुख्य मंदिर का भवन है जिसका निर्माण चल रहा है, उसकी ये तस्वीर है। और चूंकि नींव का निर्माण कंप्लीट हो चुका है और इसके ऊपर प्लेटफॉर्म यानी कि जो मंदिर की कुर्सी है उसको तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 6.5 मीटर ऊंची ऊंचाई जिसको पूरा प्लेटफॉर्म होगा। मंदिर की जिस कल्पना से अयोध्या को सजाने और सवारने का ख्वाब देश ने देखा था, अयोध्या में वो सपना आकार ले रहा है। मंदिर निर्माण के तीसरे चरण में गर्भगृह के प्लेटफॉर्म को बनाने का काम चल रहा है। तीसरे चरण में नींव के ऊपर मंदिर की कुर्सी, आप उसे मंदिर का फर्श कह सकते हैं, तकनीकी भाषा में मंदिर का प्लिंथ ऊंचा करने का काम चल रहा है। एक तरफ राम मंदिर का काम है तो दूसरी तरफ मंदिर के साथ अयोध्या को संवारने का काम भी जारी है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ आप जानते होंगे कि पूरी अयोध्या का निर्माण हो रहा है। करीब 19,000 करोड़ की योजनाएं अयोध्या में हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले 1-2 सालों में न केवल राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा बल्कि अयोध्या बिल्कुल नए कलेवर में होगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या दुनिया की सांस्कृतिक नगरी बन पाएगी। बहुत ही सौभाग्य की बात है, और जब अयोध्या विश्व की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक नगरी के रूप में सामने आएगी तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जो रोजगार है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सब बदल जाएगा। जिस प्लेटफॉर्म पर मंदिर को खड़ा किया जाएगा वो आधार अब तीसरे चरण में बन रहा है। मंदिर के इस आधार में बेंगलुरु तेलंगाना का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। दोनों राज्यों से ग्रेनाइट का ये पत्थर मंगवाया गया है। ब्लॉक के आकार में पत्थरों को मंदिर परिसर में लाया गया। एक ब्लॉक 5 फीट लंबा है। ब्लॉक की चौड़ाई 2.5 फीट है, ऊंचाई 3 फीट। ब्लॉक का आकार 37.5 घन फीट है। ऐसे 17,000 ब्लॉक मंदिर के आधार में लगाए जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म यानी कुर्सी की ऊंचाई 21 फीट होगी। ग्रेनाइट ब्लॉक की 7 लेयर से प्लेटफॉर्म तैयार होगा। 5 लेयर में 15 फीट कुर्सी का काम पूरा हो चुका है। बाकी 6 फीट की कुर्सी बनने के बाद मंदिर के गर्भगृह का काम शुरू होगा। नीचे ये रखे जाने वाले पत्थर में 2 छेद किए गए हैं, 2 कोनों पर 2 छेद। उसके ऊपर जो पत्थर आएगा उसमें भी 2 छेद किए गए हैं, और उसके बीच में पत्थर की एक कील डाल दी जाएगी। पत्थर की कील के कारण वो नीचे वाला पत्थर ऊपर वाले पत्थर के साथ टिका रहेगा। कील का मतलब लोहे की कील नहीं है, वो पत्थर की कील है। राम मंदिर की नींव का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि राम मंदिर के साथ अयोध्या सजेगी। राम का धाम लोगों के विश्वास का धाम बनेगा। आप कल्पना करिए, 2.5 टन का एक ब्लॉक, 37 घन फुट का, और 17,000 पत्थर रखने हैं।
ये कैसे रखा जाएगा। मंदिर का एरिया लगभग 3.25 एकड़ है। अब इस 3.25 एकड़ में पत्थरों की 7 लेयर एक के ऊपर एक आने वाली है। विश्वास के इसी धाम के आधार पर जो पताका लहरा रही है वो राम की कालजयी पताका है, जो वक्त पर विजय के प्रतीक के तौर पर लहरा रही है, हर दिन ऊंचाई का आकार ले रही है। और माना जा रहा है कि जनवरी 2024 तक जो गर्भगृह का निर्माण है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट होगा उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोला जाएगा, यानी कि जहां अस्थाई मंदिर में जहां पर रामलला को विराजमान किया गया है वहां से रामलला को यहां लाया जाएगा, और यहां पर जो गर्भगृह तैयार किया जा रहा है इस गर्भगृह में रामलला को स्थापित किया जाएगा। देखा जाए तो कोर्ट से मंदिर निर्माण का फैसला आने के बाद से ही तेजी से यहां पर मंदिर निर्माण का कार्य जारी है, चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर भूमि पूजन किया था और उसके बाद तकरीबन 1 साल लग गए मंदिर के नींव को कंप्लीट करने में, चूंकि नींव कंप्लीट हो चुका है और अब मंदिर का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। वीडियो जनसमिति के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। राम मंदिर के गर्भगृह और परकोट के साथ परिसर की मजबूती का काम तीसरे चरण में एक साथ चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट की कोशिश है कि 2023 के आखिर तक भगवान राम के दर्शन भक्तों को हो सके, इसी कोशिश को साकार करने में जुटे हैं मंदिर पर काम करने वाले मतवाले। निर्माण स्थल की तस्वीर है जहां पर भव्य मंदिर का इस वक्त निर्माण कार्य तेजी से जारी है। सैकड़ों की तादाद में जो इंजीनियर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो दिन यहां पर कई शिफ्ट काम करते हैं। बात कर रहे हैं बहरहाल, और जी देख तो ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों को कर्नाटक और तेलंगाना से मंगाया गया है। दरअसल ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं जो वहां के ग्रेनाइट पत्थर होते हैं, और इन्हीं पत्थरों के जरिए जो मंदिर का प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि जो मंदिर की कुर्सी होगी उसको तैयार किया जाएगा। एक तरफ गर्भगृह और मंदिर के प्लेटफॉर्म को बनाने का काम चल रहा है तो दूसरी ओर मंदिर के दूसरे हिस्से को मजबूती देने का काम भी जारी है। रिटेनिंग वॉल बनाने का काम और मंदिर की प्लिंथ ऊंची करने का काम साथ साथ चल रहा है। बहुत जल्दी हम मंदिर के नक्काशीदार पत्थरों का इंस्टॉलेशन प्रारंभ कर देंगे। मंदिर निर्माण का एक हिस्सा यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है। मंदिर के पश्चिमी हिस्से में सरयू नदी बहती है। पूरब से पश्चिम में 10 मीटर के ढलान का अंतर है। ढलान में मिट्टी के कटान का खतरा है। कटान रोकने के लिए पश्चिम दिशा में रिटेनिंग वॉल डाली जा रही है। 12 मीटर गहराई पर 12 मीटर चौड़ी रिटेनिंग वॉल बनाई गई है। ये रिटेनिंग वॉल मंदिर के परकोटे के बाहर है। यहाँ की भूगोल में एक और भी अंतर है। आप जिस सड़क पर खड़े हैं वो पूर्वी कोना है। अगर हम पश्चिम की सड़क पर खड़े हो जाएं, तो पूरब से पश्चिम की सड़क 10 मीटर ढलान पर नीचे है, अर्थात पूरब से पश्चिम में लेवल का अंतर 10 मीटर है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल देखा जाए तो 2.5 एकड़ से ज्यादा का है। चारों ओर 8 एकड़ में आयताकार 9 लाख घन फीट पत्थरों का परकोटा बन रहा है। मंदिर के आधार का काम पूरा होने के बाद पहली मंजिल पर गर्भगृह के लिए नकाशीदार पत्थरों का काम पूरा हो जाएगा। बताया भी गया था कि संभवतः हमने 29 से 30% काम प्राप्त कर लिया है, पूरा कर लिया है, और उसी आधार पर ये कहा गया कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह पर नक्काशीदार पत्थरों का काम पूरा हो जाएगा पहली मंजिल में। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर को 2023 तक रामलला के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर के बाकी हिस्से और रामलला के दर्शन एक साथ होते रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान के दर्शन इसी मंदिर में होंगे, अपने वास्तविक घर में होंगे। मंदिर का आगे का निर्माण कार्य और भगवान के दर्शन ये साथ साथ चल सकते हैं।
ऐसे में जल्द से जल्द मंदिर ट्रस्ट की कोशिश है गर्भगृह के आधार और गर्भगृह को पूरा कर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं झंडा तमाम था, दरअसल वही मंदिर का गर्भगृह जो इंजीनियर्स थे जो एक्सपर्ट्स थे खोला। जैसे ही मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार होगा उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। यानी कि इस वक्त जिस अस्थायी मंदिर में रामलला को विराजमान किया गया है वहां से फिर रामलला को यहां लाकर यानी कि जो ओरिजिनल यहां पर रामलला को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद जो आम श्रद्धालु होंगे वो यहां पर आकर दर्शन और पूजन कर सकेंगे। वीडियो जनसमय सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट अयोध्या।